गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड गुड इवनिंग मैम, इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट नाउ। आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम, ओके। हाय विजय, गुड यस मैम, ओके, गुड इवनिंग मैम, यस, गुड इवनिंग मैम, एकदम बढ़िया है विजय। भागो देवी, क्या बात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रक्षा, गुड इवनिंग गीता, गुड इवनिंग दिव्यांशी, हाउ आर यू मैम? बहुत अच्छे हैं। ज्योतिका, गुड इवनिंग। सक्षिता, गुड इवनिंग। बच्चे परविंदर, गुड इवनिंग। मनोरमा, गुड इवनिंग। नव्या, गुड इवनिंग। कैसे हो मैम, कैसे हो मैम? मनोरमा मैम एकदम बढ़िया। आप लोग सब कैसे हो? मैम ठीक है, हम ठीक है, ठीक है। ओके अच्छा, मुझे फटाफट से बताओ तुम लोगों की क्लास कितने बजे लगती है केमिस्ट्री की? 7:15 है ना, 7:15 या 7:15। ऐसा क्यों होता है कि 7:15 के बाद भी मैम मैसेज कर रहे होते हैं ग्रुप में और तब आते हो दौड़ते हुए? जो बच्चे लेट आए हैं भाई, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इतनी जल्दी आने का? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। तो बेटा टाइम से आया करो, 7:15 है तो मैम सिर्फ 7:17 तक वेट करेंगे। ये मैंने बताया था पिछली बार भी कि ये उंगली मैंने हटा दी नहीं है वहां कोने से, याद है ना? दिखाई थी मैंने तुम्हें उंगलियां या नहीं? यो मैम, यो मैम। तो तुम्हारा नुकसान होगा या मैम का नुकसान होगा? मैम हमारा, तुम्हारा। ओके फाइन, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सविता, मैंने पूछा ही नहीं है मैम, वो गलती से चला गया, पहले ही रेडी रखा हुआ है सबने, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ाया था मैंने, सारे बताओ। मैम प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया था और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ाया था। हाँ है ना, हमने काफी कुछ कर लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत तुम्हारे को क्या बताया था, नया चैप्टर जो है इस मैटर अराउंड अस, है ना? यस एग्जाम्पल भी करके दिखाया था। क्या था वो एग्जाम्पल? लास्ट संडे, लास्ट वीक तुम्हारी छुट्टी थी है ना, लास्ट क्लास की? तो यो मैम, यो मैम। हाँ तो तुमने मजे किए छुट्टी वाले दिन? यो मैम, यो मैम। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि क्या मतलब, क्या बोलते हैं, कहाँ थे हम? हाँ मैम ने एग्जाम्पल दिखाया था, हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया मिक्सचर वाला, है ना? तो मुझे कौन बताएगा मिक्सचर के लिए मैम ने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, क्या था वो एग्जाम्पल? अच्छा संजीव बताना चाहता है, संजीव जरियाल। मैम जो मिक्सचर होता है वो दो सब्सटेंसेस से घुल के बना होता है। अच्छा तुम्हारा नाम संजीव तो नहीं लगता है बेटा, क्या नाम है आपका? मैम श्रेया। श्रेया, जोरदार ताली श्रेया के लिए, गुड जॉब बच्चे, वेरी नाइस, गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में, मैम पूछ रहे हैं कि मैम ने एग्जांपल क्या दिखाया था, कुछ दिखाया था ना मैम ने? यस मैम, यस मैम। नव्या बताओ बेटा। मैम आपने दिखाया था कि मैम जो पानी है और दूध है वो मैम आपस में मिल जाते हैं और हमें मतलब बाद में जब वो मिल जाते हैं हमें पता नहीं चलता कि पानी मतलब हम बाद में उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली नव्या के लिए, गुड जॉब बच्चे, गुड जॉब, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में मिक्सचर के बारे में मैम ने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मिक्सचर होता क्या है ना? तो मिक्सचर जो है वो करेगा क्या? हाँ रक्षा इधर आ जाओ, अब वो आइंस्टाइन के आगे बढ़ते हैं, अब हम नया चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज योर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चे कि क्या बता रहे थे मैम? यस, तो हम क्या देख सकते हैं कि मैम ने लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि एक मिल्क है, मिल्क में मैम ने क्या पोर सॉरी पानी था, पानी में मैम ने क्या डाला था? मिल्क, बिल्कुल।
तो जब आप दूध के अंदर पानी को डाल देते, पानी के अंदर दूध डाल देते हो दो तीन बूंद, या दूध के अंदर पानी भी डाल देते हो, डालते हैं ना दूध में पानी, है ना? तो क्या तुम ऐसे करते हो कि हाँ यार ये रहा पानी ये रहा दूध, ऐसे कर सकते हो? नो मैम, नहीं कर सकते ना। तो हमने करा क्या, हमने दो कंपोनेंट्स लिए और दोनों को मिक्स कर दिया, यानी मिक्सचर हो गया उनका, मिलावट ही हो गई उनमें, है ना? और क्या एग्जाम्पल आप बता सकते हो मेरे को? कोई एग्जाम्पल नहीं है? हाँ निधि बताना चाहती है कुछ, बताओ बेटा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैम स्क्रीन तो मैंने शो ही नहीं करी है, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। यस मैम, मैम ये पूछ रहे हैं कि ऐसी और कौन सी, जैसे दूध में पानी की मिलावट हो सकती है, तो और किन किन चीजों में मिलावट हो सकती है? जूस में जूस में, बिल्कुल, वेरी गुड। नींबू। है नींबू पानी, यही बोला निधि आपने? ये मैम ओके, एकदम से म्यूट करोगे, एकदम से अनम्यूट करोगे, बोलोगे तो आवाज मैम तक नहीं पहुंचेगी, टाइम लगता है ना। ठीक है, गुड। निधि के लिए और विजय भाटिया के लिए जोरदार तालियां, गुड गुड बच्चे, वेरी नाइस। ओके, और किस में हो सकता है? जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, और चलो फटाफट से चार सारे चैट यूज करो, फटाफट से बताओ। मिल्क, जूस और क्या था एक और? नींबू पानी। इन नींबू छोड़ के, हाँ इन तीनों को छोड़ के कोई भी एग्जाम्पल फटाफट से बताओ मुझे चैट पे, जल्दी से। वाटर एंड इंक, क्या बात है। सॉल्ट, क्या बात है। लस्सी, घी। अच्छा अब तुम सबको आंसर आ रहे हैं, अनम्यूट करके नहीं बोला जाता तुमसे। भागो देवी, सॉल्ट एंड वाटर, गुड बच्चे, सबसे पहले भागो ने बताया। गीता, टी। टी में कैसी मिलावट बेटा? गीता, ज्योतिका, शुगर एंड वाटर, ओके, सॉल्ट, रक्षा, ओके। टी कैसे मिलेगा बच्चे? टी कैसे मिलना चाहेगा, मतलब दूध में आपने चीनी, सॉरी दूध में आपने चाय पत्ती डाल दी, इस वजह से ऐसे कह रहे हो आप गीता? यस मैम, मैं पिछली क्लास में आई भी नहीं थी मैम। मैम पिछले क्लास में क्या हुआ? पिछली क्लास में नहीं थी मैम। मैम कोई बात नहीं, पिछले हफ्ते छुट्टी थी। उससे पिछली क्लास में। अच्छा कुछ नहीं, उसमें तो मैम ने बस थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताया था, वैसे ही बताया था, अभी पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट यस मतलब मैम स्टार्टिंग से एकदम। तो हमारे सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, मिल्क एंड चॉकलेट, मिल्क एंड चॉकलेट, वाओ। ऑयल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, काफी ने आंसर दे दिया, और जो आंसर नहीं देना चाहते, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे घर पहुंच जाओ मैं डंडे लेके या मिठाई लेकर आऊं, क्या चाहते हो तुम? मिठाई खाओगे? नहीं, मतलब मौन व्रत रखा हुआ तुम लोगों ने, बात नहीं करोगे मुझसे, इतने नाराज हो? नो मैम, मिठाई के नाम पे तो खुश हो जाओ। हाँ बिल्कुल रक्षा, मिठाई में भी मिलावट होती है, रंगों की, है ना? लड्डू खाए तुमने? लड्डू का नाम सुनते सबका यो यो निकल आया, वाह क्या बात है, एकदम लालची बच्चे हो। ठीक है, ओके, सो बुरा मत मान जाना, ठीक है, ओके। चलो तो हम क्या देखते हैं बच्चे, हमारे आसपास जितनी भी चीजें, हर चीज में मिलावट होती है, हर चीज में कहीं हमें रंग चढ़ा होता है ना। आजकल वाटरमेलन आ रहा है, पहले वाटरमेलन बड़ा प्यारा सा रंग होता था हरा का, आजकल ना वाटरमेलन तरबूज को देखोगे एकदम हरा है वो, यस मैम, है ना? पहले ऐसा यस नहीं होता था, जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, ये तरबूज तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, जो मैं पिछले 2-3 साल से देख रही हूँ। ठीक है, तो वो वाला जो हरा एकदम अलग है, तोते वाला कलर है ना, और ये वाला हरा एकदम पत्ते जैसा रंग है। ठीक है, तो मतलब फर्क होता है, मतलब कहने का मतलब है चीजों में मिलावट होती है। तो लेटली सभी न्यूज में आया था कि ये जो वो वाटरमेलन है, उसके अंदर जो वाटरमेलन है, उस वाटरमेलन के अंदर इंजेक्शन लगाकर उसमें रंग भर दिया जाता है, और हम क्या करते हैं उसको, खा लेते खा हैं।
ठीक है, तो तरीका भी है उसको चेक करने का कि तरीका कैसे चेक करोगे, करना चाहोगे तुम? थोड़ा सा वॉल्यूम देखे ना, हाँ थोड़ा सा वाटरमेलन को क्या बोलते हैं हिंदी में, तरबूज, वो जो हरा सा तरबूज है उसको काट के छोटा सा हिस्सा लेके ना, टिश्यू पेपर होता है जो, टिश्यू पेपर को निकाल के देखोगे तो उसमें से अगर ज्यादा लाल लाल रंग दिखेगा यानी कि वो नकली है, ठीक है, थोड़ा बहुत रंग और पानी पानी होता है वो सही है, लेकिन अगर इंजेक्शन दिव्यांशी ओके, अगर इंजेक्शन लगा दे उस पर वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लाल रंग हो जाता है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तुम कैसी कैसी स्माइलियां भेज रहे हो। अब मैं बोलूंगी लड्डू तो सबने यू यू मैम कहना है, अब मैं कहा कि समझ आया तो नो, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। चलो लड्डू के नाम से बात तो कर रहे हो तुम, घर तुम्हारे में से घर का नाम है किसी का लड्डू? तुम लोगों का नाम रख देना चाहिए लड्डू पार्टी, तभी तुम पढ़ोगे। नो मैम। पार्टी पढ़ाई करना चाहती है या नहीं? मान लिया तुमने कि तुम लड्डू हो, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे से मैम ने तुम्हारा, तुम्हारी टीम का नाम है लड्डू, ठीक है। नो मैम। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मैं तो ऐसे बुलाने वाली हूँ। तुम्हें नहीं पसंद आया वो तुम्हारी गलती है, मैं तो नहीं कुछ कर सकती उसमें ना, ठीक है। लड्डू पार्टी आज के चैप्टर का नाम बताओ मुझे क्या है। सारे लड्डू बने पड़े हैं, वाह बहुत बढ़िया। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो आज मैम आपको बताएंगे कि मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास, और इसका तो हमारा पहला लेक्चर है ना। यस मैम। ओके एक सेकेंड, थोड़ा रंग बदल ले। ओके लड्डू पार्टी आज की डेट क्या है बताओ जल्दी से। मैम 6 जुलाई। जो 7 में है वो कल पढ़ना मुझसे आगे, चलो दौड़ो, ठीक है। चलो ओके लेट्स स्टार्ट बच्चों, आज हम पढ़ने वाले मैटर के बारे में और मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो मैटर में क्या होता है, अगर आप देखोगे कि मैटर में हमारे पास अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। कैसे कैसे सब्सटेंस होते हैं? दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है एकदम प्योर शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध यानी कि मतलब ये नहीं होता कि कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें या फिर कुछ होता है, मिलावटें हो जाती हैं उसके अंदर, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर, यानी कि प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने सब नहीं देखो होगा गाय, है ना, गाय क्या करती है, दूध देती है। yes, ma'am. और आप दूध पीते हो? yes, ma'am. नहीं भी अच्छा लगता तो भी तुम्हें पीना ही पड़ता है। हाँ मतलब मैम को तो नहीं अच्छा लगता बट मैम फिर भी पी लेती है क्योंकि शरीर के लिए जरूरी है ना। yes, ma'am. हाँ और तुम में से काफी लोग चाय भी पीते हो? no, ma'am. तुम जो चाय पीता है वो होता है बुढ़ा या बुढ़ी, तो तुम क्या हो, बुढ़ा बुढ़ी? मैम मैं नहीं पीती। मैम मैं भी नहीं पीती। जो पीता है वो तो बता दो। मैं भी नहीं पीती। तुम्हें पता है टी के अंदर कैफीन होता है, चाय के अंदर कैफीन होती है, चाय पत्ती के अंदर कैफीन होती है। यस मैम। वो कहते हैं ना मेरे को नींद आ रही है, सर दर्द लग रहा है तो मेरे को चाय पीनी है। यस मैम। यस मैम। क्यों क्यों होता है, दवाई थोड़ी होती है चाय, तुम दवाई की तरह पीते हो चाय को? नो मैम। फिर पता ही नहीं है मैडम, हम तो ऐसे पीते रहते हैं, घर वाले पीते हैं, मम्मी बड़ा अच्छा बनाती है, बहन अच्छा इलायची डाल के बनाती है, उसके अंदर हम पी लेते हैं। हाँ मैम नहीं पीते। मैम नहीं पीते हम। क्या लिप्टन नहीं पीते? नहीं पीते। अरे जो पीता है मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मैम बोल रहे थे कि जैसे गाय है, गाय क्या करती है बेटा, प्रॉपर दूध देती है, है ना, वो दूध होता है एकदम प्योर, है ना, एकदम शुद्ध शुद्ध, ठीक है, शुद्ध yes, दूध।
लेकिन उस शुद्ध दूध के अंदर अगर हम पानी डाल दें तो वो क्या हो गया? बिल्कुल अशुद्ध हो गया, क्योंकि आपने पानी वैसे अशुद्ध नहीं होता, लेकिन आपने क्या किया, दो मिक्सचर कर दिया ना, मिक्सिंग कर दी आपने। सोचो अब जैसे गांव में तो चलो नॉर्मल लोगों को शुद्ध दूध मिल जाता है, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं उनको पैकेट वाला दूध मिलता है, उसमें मिल्क पाउडर होता है, ठीक है। और अगर उनके घर पे दूध वाले अंकल दूध देने आते हैं उसमें आधा पानी मिला हुआ होता है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा होता है, ठीक है, उनको भी तो कमाना है, उनको भी तो जीना है, तो वो क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं, है ना। और यही बात है, तो सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, अगर एनीथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू फर्दर पार्टिकल्स, यानी कि अगर आप किसी चीज को तोड़ ना सको, उसमें आप फिजिकल प्रोसेस ना कर सको, उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है मिल्क, हम मिल्क को तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसमें मिलावट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, मुझे बताओ तुम, अगर मिल्क दही कभी मिल्क बन सकती है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। घी कभी मिल्क बनता है? नो मैम। नो मैम। मलाई कभी मिल्क बनती है? नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया मैम क्या कहना चाह रही हैं? यस मैम। यस मैम। मिल्क हमारा सब्सटेंस हो गया, ठीक है, और हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस इसके साथ कर सकते हैं। अब अगर आपने पनीर बनाना है तो जब दूध फटता है तो पनीर बनता है, बट क्या पनीर से दूध बनता है? समझ में आ गया एग्जाम्पल? अब दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं बच्चे, एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, एक होता है आपका मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस हो गया आपका शुद्ध और इम्प्योर हो गया आपका अशुद्ध। अब अशुद्ध यानी क्या होता है कि जिसमें मिलावट हो जाती है, मिलावट, ठीक है, मिलावट, ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका दूध का कप, इसके अंदर आपने क्या किया, मिल्क के ग्लास के अंदर आपने क्या कर दिया बेटा, पानी मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। समझ में आ गया सबको या नहीं आया, बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो आगे। अब प्योर सब्सटेंस मैम ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, वाटर, गोल्ड, डायमंड, है ना, ये सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, ठीक है, डायमंड, सॉल्ट, सल्फर, टिन, शुगर, वाटर, जो भी ले लो, इनका क्या है, एक ही टाइप का क्या है, पार्टिकल। सिर्फ एक ही, याद रखना, ठीक है, चलो। सो दैट इज ऑल अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। अब आ जाओ मिक्सचर में। मिक्सचर में आप क्या करोगे, जब आप ए के साथ और एक बी का कंटेनर ले लेते हैं, तो मैम ने क्या किया, अब मेरे को बताओ कि नींबू पानी बनाने के लिए, है ना, नींबू पानी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वाटर, चीनी और तुमने डाली नहीं तो तुम तो मीठा मीठा खट्टा मीठा पानी पी लोगे, है ना। चलो ठीक है, तो अब तुम्हारे को ये नींबू पानी बनानी है, ये नींबू पानी बनाने के लिए तुम्हारे को ये सारी चीजें चाहिए, तो कितनी चीजें हो गई, ये फोर चीजें होगी। तो क्या ये मिक्सचर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। क्या हो गया मैम? मिक्सचर हुआ। यस, ये मिक्सचर हुआ फोर सब्सटेंसेस का, मिक्सचर ऑफ
फोर सब्सटेंसेस अलग अलग, यानी वाटर एक टाइप है, शुगर एक टाइप है, सॉल्ट एक टाइप है, लेमन एक टाइप है, ये चारों अलग अलग सब्सटेंस है। इन सब्सटेंसेस इकट्ठे मिले और इन्होंने नींबू पानी बना लिया। ठीक है, ओके, याद रहेगा सभी को? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। नो मैम। ओके, चलिए आगे। यस मैम। हेलो, मिक्सचर। अब जनरली मिक्सचर हमारे पास ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर और हेटरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में होता क्या है, होमोजेनस मिक्सचर में जो भी मिक्सिंग आप करते हो वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली रहेगा, यानी सेम रहेगा, आप उनको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क और वाटर। वाटर, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, क्या मैं एक बार फिर बता दो? बता रहे देखो ये क्या है, गिलास। गिलास, बिल्कुल गिलास, ठीक है। यस मैम। ये आपका पानी हो गया। यस मैम। ठीक है मैम। और ये आपका कलरफुल सा मग हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, दूध। बिल्कुल, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, इस वाटर को इस मिल्क में मिला दिया। यस मैम। ठीक है, जैसे ही आपने पानी दूध में मिला दिया, ये क्या हो गया, मिक्स हो गया। मिक्स हो गया, बिल्कुल, आपका मिल्क और आपका वाटर मिल जाएगा। और आप मिल्क को और वाटर को अलग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। जब अलग नहीं कर सकते तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया, होमोजेनस। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा पानी कौन सा है, दूध कौन सा है ना। यस मैम। अब आ जाओ हेटरोजेनस में। हेटरोजेनस क्या होता है, जो हेटरोजेनस मिक्सचर होते हैं वो पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होता। तो अब तुम सब करने क्या वाले हो, अपनी कॉपी और पेन को रखो साइड पे, ठीक है, और मैम जो जो बोल रहे हैं वो तुम करने वाले हो। तो पहले तुम एक अपने घर में जाके, मतलब घर में तो हो ही बैठे हुए, कटोरे में थोड़ा सा पानी लोगे। क्या लोगे, पानी। पहले सुन लेना फिर लेकर आना। पहले आपने इसमें पानी डालना, ठीक है, और एक बर्तन में तुम क्या करोगे, तेल लेकर आओगे, या दौड़ के लेकर आओ, दौड़ के लेकर आओ और बोलो यो यो लड्डू पार्टी। अभी नहीं बोलना, पहले सामान लेकर आओ, जाओ यो यो लड्डू पार्टी के बच्चों। हाँ, एक ही चम्मच लेकर आना, पूरा डब्बा मत ले आना तेल का। मम्मी ने कहना बेटे तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास में तेल, तुम लड्डू पार्टी। ओके, बस चार बच्चे। लड्डू पार्टी मैम तो है ही नहीं। लड्डू पार्टी। ओके, ले आए सारे, कौन रह गया? यस मैम। यो यो मैम। चलो ठीक है, वेट करूं अब मैं, चलूं आगे, सब ले आए, वेट करना है। चलो ठीक है,
अब क्या करोगे तुम, जो तुम्हारा पानी है? एक क्विंटल तो नहीं ले आए तुम, एक बड़ी बड़ी टंकी ले आए तुम उठा के? नो मैम। ठीक है, एक चम्मच, एक चम्मच तेल जो तुम लेकर आए हो है ना, तो तुम क्या करने वाले हो, उसके ऊपर डालोगे और डालने के बाद चैट में लिखोगे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। चैट में लिखिएगा, कोई भी बोलेगा नहीं। फटाफट से बताओ। मैम एक लेयर दिखाई दे रही है। ओए ओए पूजा, पूजात्री, तेल ऊपर तैर रहा है मैम, ऑयल फ्लोट कर रहा है। पूजात्री जी चैट पे लिखो, दिव्यांशी ओके, ऑयल तैर रहा है, तेल ऊपर है मैम, ऑयल फ्लोट कर रहा है मैम, ऑयल ऊपर वाटर के ऊपर तैर रहा है मैम, ऑयल ऊपर आ गया है। ठीक है, और पानी कहाँ है? पानी तो बताया नहीं किसी ने मैम। ऑयल फ्लोट कर रहा है, म्यूट पे बेटा, म्यूट पे, चैट पे, सॉरी म्यूट पे नहीं, चैट पे। मैम वो मिक्स नहीं हो रहा। ऑयल तैर रहा है, ऑयल के नीचे। अच्छा ऑयल तैर रहा है ऑयल के नीचे, वाह बेटे वाह अर्जुन सिंह। मैम ऑयल फ्लोट कर रहा है, पानी नीचे है, ऑयल फ्लोट कर रहा है, पानी नीचे है, ऑयल ऊपर, तेल ऊपर तैर रहा है मैम, पानी नीचे है मैम, ऑयल वाटर के ऊपर तैर रहा है। सबको समझ में आ गया? यो मैम। हाँ गुड, गीता फार्मूला, हाँ गुड बच्चे। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों है मनोरमा? मैम वो मिक्स नहीं हो रहे, बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहे, बट आपने मिक्स कर दिया है लेकिन वो अलग अलग है ना? यस मैम। मैम क्यों मिक्स नहीं हो रहे? बिल्कुल, इसीलिए श्रेया ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। गुड बच्चे, वेरी गुड, नाइस। सो याद रखो, अब देखो पहले मैं पहला एग्जांपल क्या लिया था मैम ने, वाटर प्लस मिल्क, वाटर, वेरी गुड, क्या बात है रीटा, वाटर मल प्लस मिल्क, तो वो कैसा वो हुआ, होमोजेनियस। क्या बात है, जोरदार ताली अगेन रीटा के लिए, पूजा के लिए और निधि के लिए, गुड। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके वजह से हमारे को समझ में आ गया कि वो कौन सा टाइप का है, होमोजेनियस मिक्सचर है ना। अब हम समझेंगे कि अब ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें पानी नीचे है और तेल ऊपर ऊपर है ना, तो तेल ऊपर और पानी नीचे, तो इसके वजह से क्या मिक्सचर मिक्स हो रहा है? नो मैम। तो अब मिक्सचर इसमें मिक्स नहीं हो रहा, यानी कि हमारा क्या था डेफिनेशन, कि वो डिसॉल्व नहीं होगा। तुम चाहे जितना मर्जी उस पानी के अंदर तेल को मिला के भी देख लो ना, तुम क्या कर सकते हो ना, तुम उसको अलग कर सकते हो ना ही पूरी तरीके से वो मिल सकता है। समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम। हाँ, लेकिन अगर मैम उसी पानी के अंदर अगर नमक को डाल दे तो तुम उसको हटा पाओगे? नो मैम। नहीं हटा पाओगे है ना, लेकिन तुम तेल को हटा सकते हो। बच्चे मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ मैम, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्या बात है, जोरदार ताली भागो देवी के लिए, गुड। ठीक है दिव्यांशी, बच्चे मैम अभी शो ही नहीं करे, मैम बात कर रहे हैं आपसे। देखो आप सबने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो मैम को सब जाना भी तो पड़ेगा ना, छोड़ थोड़ी देंगी मैं तुम्हें। ठीक है चलो, कहां थे हम मैम? ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑयल ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे है, मिक्स करोगे तो तेल तो मिलेगा भी नहीं, मतलब घुलने का नहीं। आप तेल को अलग करने की कोशिश करोगे तो तेल क्या होगा, अलग होगा। तेल अलग हो सकता है, ट्राई करके देखो, ट्राई करो। वो जो ऊपर तेल तैर रहा है ना, उसको उठाओ धीरे से चम्मच से। हाँ बिल्कुल, सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सेपरेटिंग फनल नहीं है, बट तुम चम्मच से हटा सकते हो, करके देखो ट्राई। Yes, कभी कभार क्या होता है, घर में खाना बनता है, जब तड़का लगता है ना, कभी कभार गलती से तेल ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं उस सब्जी को, और जो तेल होता है ना, मतलब तेल को पहले हम हटाते हैं है ना, और फिर वो तरी उठाते हैं, होता है कभी कभी।
तो वो ऐसा क्यों होता है? ताकि मतलब वो एक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है? समझ में आ गए सभी को? ओके यो मैम, कुछ पूछना है? मैम एक डाउट है। हाँ जी बोलो। मैम आपने बोला था कि जो मैम आपने बोला था कि जो गाय है वो जो दूध देती है मैम वो प्योर होता है, लेकिन मैम हर लिक्विड चीज में मैम पानी एग्जिस्ट करता है, तो मैम उसमें भी तो पानी हुआ, तो मैम वो तो प्योर नहीं हुआ। क्योंकि बेटा वो गाय है तो वो इतना सारा खाना भी तो खाती है ना। यस मैम। तो वो तो इतना घास खाती है और पानी भी पीती है, और जो वो कुछ भी खाती है, जैसे मतलब मैं अपने गांव गई थी तो मैंने देखा था कि वो जो वहां पे अंकल थे वो कुछ मिला के दे रहे थे उनको, वो भी पानी ही था। मतलब बॉडी के अंदर तो पहले से पानी होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो पानी आएगा। यस मैम। मतलब ये थोड़ी बोल सकते कि ये नकली दूध है। मतलब जब एक इंसान उसमें मिलावटी करता है उसको हम मिक्सचर कह देते हैं। यस मैम। उन्होंने बताया था कि जो गाय दूध देती मैम वो बिल्कुल प्योर नहीं होता, क्योंकि उसमें भी पानी होता है। हाँ मैं भी तो वो ही बोल रही हूँ ना, मतलब मेरे को आपको एक कंसेप्ट तो समझाना है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में होता क्या है, पानी एक अलग सब्सटेंस है और चीनी सॉरी दूध एक अलग सब्सटेंस है, समझ रहे हो? और दोनों को जब हम मिला देते उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस, क्योंकि आप दूध को और पानी को अलग नहीं कर सकते। और दूध में पहले से पानी होता है क्योंकि वो आता ही गाय, एक गाय होती है, एक भैंस होती है, कैमल ऊंट भी होती है, इन सबके दूध के अंदर पानी की मिलावट होती है क्योंकि उनके शरीर से निकलता है ना, तो शरीर में तो पानी होगा ही। और पर ऐसा नहीं होता कि दूध से ज्यादा पानी होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट होता है, ठीक है? यो यो मैम। हाँ जी ओके चलें आगे। अब तुम्हें समझ में आ गया कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक ओके एक सेकेंड कहाँ गया? ओके तो आ जाते अब हम वापस यहाँ पे। ये क्लियर हो गया सबको, होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नेक्स्ट है बेटा, अब इसके कुछ मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है पूरे प्रोसेस में ना, यूनिफॉर्मिटी रहती है ना, आप पानी को अलग कर सकते हो ना आप दूध को अलग कर सकते हो, ठीक है? हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि पानी है तो पर आप तेल को हटा सकते हो। यस मैम। ठीक है समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट सभी को? सेकेंड कह रहा है कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ना आप पानी को अलग कर सकते हो ना आप दूध को अलग कर सकते हो। यस मैम। है ना, बट कैसे फिजिकल प्रोसेस में आप सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल में कर सकते हो। वी कैन सेपरेट द कॉम्पोनेंट थ्रू फिजिकल प्रोसेस। जैसे आपने पानी में से तेल हटाया, अपने हाथों से हटाया ना आपने। यस मैम। आपने ना कोई यूज किया, ना आपने कुछ यूज किया, कुछ भी यूज नहीं ना किया आपने। yes, है ना, तो फिजिकल प्रोसेस है ये बच्चे, जिससे कि आप क्या करते हो कंपोनेंट्स को अलग कर सकते, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। एक बार से बता दो। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर में अगर आप पानी को और आप दूध को मिला देते हो, आप उनको हाथों से या फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपने अभी पानी और तेल लिया उसको आप अलग कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि तेल ऊपर तैर रहा है तो आपने उसको उठा लिया और फेंक दिया, फेंका या नहीं फेंका? यस मैम। तो आपका हाथ फिजिकल हुआ ना? यस मैम। तो आप उसको उठा सकते हो ना? Yes, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ ना? Yes, ma'am. ठीक है, बस यही है, सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट समझ आ गया फर्स्ट टू पॉइंट सभी को? Yes, ma'am. अब जब एक बार ये मिक्सचर मिल जाए, पानी और दूध मिल जाता है बच्चे, आप उसको अपने नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से, यानी ये जो आपकी आंखें हैं ये आपको नहीं बता पाएंगे कि पानी कौन है दूध कौन है, ठीक है? लेकिन जब पानी के ऊपर तेल तैर रहा है तो आप बता सकते हो ना कि तेल कौन सा है और पानी कौन सा है?
तो इसीलिए होमोजेनस में आप नहीं देख सकते लेकिन हेट्रोजेनस में आप देख सकते हो। बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। ऑल राइट, नेक्स्ट है मिक्सचर जो कि सिंगल फेस रहता है। सिंगल फेस यानी एक बार मिलावटी हो जाए तो ऐसा नहीं होता जैसे पानी अलग था और तेल अलग था, तुम्हें दिख रहा था ना? यस मैम। तो वो अलग अलग फेस हो गए। अलग अलग फेस यानी फेस का हिंदी क्या हुआ? चेहरा। चेहरा नहीं बेटा, वो वाला फेस नहीं। अलग अलग है दौर, अलग अलग दौर। ठीक है, तो मेरा भाई आज तुम्हारे लिए ट्रांसलेटर बन गया। ठीक है, सो जो सिंगल फेस मिल्क और आप वाटर में देखोगे वो है, वो क्या है बच्चे? एक फेस यानी एक दौर। आप उसको अलग नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते हो आप। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, अलग अलग दिखाई दे रहा है। पानी नीचे था ना, आपने क्या बोला? पानी नीचे है और तेल ऊपर है ना? ऐसा तो नहीं था ना कि दोनों साथ में घूम रहे हैं? नो मैम। पानी नीचे था, तेल ऊपर था, तो कितने हो गए? दो फेस हो गए या नहीं हो गए? यस मैम। फिगर आप सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यो मैम नहीं कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। देखो आपने तेल को हटा के फेंक दिया ना, पानी वहां पे अभी भी है ना, अभी भी तेल घूम रहा है उसके अंदर। ठीक है, वो आप सेपरेट कर सकते हो, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? यस मैम। एग्जांपल्स है बेटा, वाटर एंड मिल्क हो गया होमोजीनियस, ऑयल एंड वाटर हो गया, ऑयल एंड वाटर हो गया आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस। अब देखो सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन होता है कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक या एक दो या दो से ज्यादा। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बच्चे? सोल्यूशंस होते हैं आपके। समझ में आया? यूनिफॉर्मिटी यानी एक ही लेवल पे, यानी कि पानी को एक बार दूध में मिला दिया, दूध को पानी में मिला दिया, ऐसा नहीं होगा कि वो पानी उसमें से हट जाए। और एक बार अगर पनीर बन जाए, दही बन जाए, मुड़कर वो कभी भी दूध नहीं बन सकता। ठीक है? यो मैम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिक्विड इनटू लिक्विड, वाटर एंड इंक, सॉलिड इनटू सॉलिड, एलॉयज, गैस इनटू गैस, एयर, सॉलिड इनटू लिक्विड, शुगर और वाटर, सॉलिड इंटू गैस, हाइड्रोजन एंड मेटल्स, लिक्विड इंटू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल चलो ये वाला ले लेते, इजी लगेगा तुम्हें समझने में। अगर जैसे कि ये कौन है, किसका नाम लू मैं? किसी का नाम ना लू? शिवानी। मेरा शिवानी। मेरा कौन होता है? मैम हिमानी। अच्छा ठीक है, हिमानी या शिवानी? हिमानी। अच्छा ठीक है, बट आई जस्ट होप सबसे पहले हिमानी ने बोला था। यस मैम। ठीक है, ओके। सो हिमानी ने क्या किया? प्लांट से ऑक्सीजन लिया नहीं लिया? और फिर ब्रीद इन करने के बाद प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दिया या नहीं दिया? दिया। दोनों कैसे हैं? एयर है या क्या है? एयर। तो बेटा CO2 में, सॉरी एयर में CO2 भी है और O2 भी है, है ना? क्या क्या है? हाँ, अब ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? दोनों के दोनों हैं गैसेस, है ना? दोनों के दोनों हैं एयर। तो आप देख रहे हो ना, एयर इनटू एयर। समझ में आ गया? एयर इनटू एयर। यो मैम। यानी गैस इनटू गैस। तो पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? यस मैम। सेम, इंक लो, इंक के अंदर वाटर मिला दो, लिक्विड इनटू लिक्विड, वाटर भी लिक्विड है, इंक भी लिक्विड है, सारे एग्जांपल्स यही है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको?
डाउट है किसी को बच्चों? नो मैम। मैम इनमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया मुझे? सबको क्लियर हो गया? फटाफट से सारे बताओ, मुझे फटाफट सारे बताओ कि मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंबाइंस फॉर्मिंग, क्या करता है ये? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंटेन्स, अगर एक से ज्यादा प्योर मैटर हो जाए तो क्या बनाता है ये? मैम मिक्सचर। मिक्सचर बनाता है ना, एक से ज्यादा मिल्क के अंदर या फिर वाटर के अंदर अगर आप मिल्क डाल दो या मिल्क के अंदर वाटर डाल दो, ये क्या कंपोनेंट बना देता है? ये मिक्सचर। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है? नो मैम। ओके चलिए आगे। मैम चलो, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मैम अब आपको इंग्लिश में नहीं बताएंगे, सॉरी हिंदी में नहीं बताएंगे, आप लोग मुझे पहले आंसर बताओ, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड डैश काइंड ऑफ सॉल्यूशन। पक्का हेट्रोजीनियस है? देख लो। यस मैम। बिल्कुल सही है बेटा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि ये इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ये होते हैं नॉन यूनिफॉर्म, है ना? तो ये नॉन यूनिफॉर्म कैसे होते हैं? लाइक इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है क्योंकि आप ऑयल को और वाटर को अलग नहीं कर सकते अलग कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक ही चीज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चला रहे हो अपने स्कूल, अपने घर से स्कूल तक उसी सेम स्पीड में, वो यूनिफॉर्म हो गया या नॉन यूनिफॉर्म हो गया? यूनिफॉर्म। सेम वे अगर आप किसी चीज को मिला दोगे तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म, अगर अब कोई चीज आपकी नहीं मिल रही है तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। आया समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर आ हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके हैं जी, क्या चैट पे दे सकते हैं आंसर? बिल्कुल चैट पे दो आंसर। अब अगला क्वेश्चन सारे चैट पे देंगे, कोई भी म्यूट करके अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई भी नहीं म्यूट करेगा, सॉरी कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, सब चैट यूज करने वाले हैं, जब मैम बोलेंगे तब चैट यूज करना, ठीक है? तो मैम आपको 30 सेकेंड दे रहे हैं और आपने लिखना भी है। चलो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड डैश सॉल्यूशन मिक्सचर टेक्सचर होमोजेनियस हेट्रोजीनियस, और जिसको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया बता देना, हैंड रेस कर दो। रिपीट करना जरा क्वेश्चन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड डैश सॉल्यूशन। मैम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले इंग्लिश में सॉल्व करो। तुम्हें याद है ना तुम्हारा 11th 12th इंग्लिश में होने वाला है? अब तो समय आ गया है, एक महीना हो गया है, अब तो तुम्हें अंग्रेजी आनी चाहिए। ओके टाइम अप। ऑल राइट, जल्दी लिखो, इतना समय। ऑप्शन सी, सॉरी मैम सी, चलो मैम ने माफ किया आपको। सी 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 सी। ओके बहुत बढ़िया बच्चों, जोरदार तालियां अपने लिए, बड़ी मेहनत करके तुमने लिखी है ना? नहीं यो मैम। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत नहीं, वेरी गुड। सी, अब सी क्यों है?
यूनिफॉर्म कंपोजिशन सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वो वाले सोल्यूशन जिसमें हमारे को यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है सोल्यूशन की, यानी कि सोल्यूशन में घुल मिल जाता है। अभी मैंने पिछले बताया था ना, नॉन यूनिफॉर्म कौन हो गया, हेटरोजेनस, है ना, तो यूनिफॉर्म कौन हो जाएगा, होमोजेनस। हाँ, होमोजेनस क्यों होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी दिखा रहा है, क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर सकते कौन दूध है कौन पानी है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब जिसने हाथ उठाया था उनको क्लियर हो गया बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्लियर हो गया? चलो ठीक है, होमोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चैट पे, होमोजीनियस सॉल्यूशन में बी सेपरेटेड बाय, केमिकल प्रोसेस। कौन है ये, लाओ तुम्हारे घर का एड्रेस दो। डन, टाइम अप हो गया बेटा? यस मैम। नो मैम? यस मैम। जल्दी करो, टाइम तो अप हो गया। चलो मैम वेट कर लेते हैं 10 सेकंड और 30 सेकंड बोला था। क्या क्या बोला? गीता बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आंसर कर दिया। अच्छा हाँ, अभी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी नहीं पता लग रहा। ओके, रीता नहीं, दिव्यांशी। ए केमिकल, ए ए ए ए ए केमिकल, ए ए ए ए ए ए ए ए बी ए, कर दिया सबने, मेरे को नहीं लग रहा। यस मैम। कौन रह गया जिसको क्वेश्चन ही समझ आया? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन सबने आंसर गलत दिया है, एक भी किसी का भी करेक्ट नहीं है, पता तुम लोगों को? हाँ देखो, बागो देवी ने फटाफट से बता दिया। चलो ए ना सही, बी ना सही, तो मैं सी लिख देती हूँ। हैं बागो देवी जी, सही है, बहुत बढ़िया। कुछ तो गड़बड़ हो गई है मेरे स्क्रीन में। ये देखो दूसरी हमारी प्यारी। हाँ अच्छा, अब सबका सी हो रहा है, वाह, क्योंकि ऑप्शन डी तो दिया ही नहीं है। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। ठीक है, मैंने टाइम आपके बाद बोला है तो फिल्टरेशन इसका आंसर है बेटा, फिल्टर हो सकता है। होमोजीनियस सॉल्यूशंस जो होते हैं, क्योंकि आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, इसीलिए उनका फिल्टर होना जरूरी होता है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। तो ये याद रखना। और वैसे तो बड़े सारे प्रोसेस होते हैं, इवन डिस्टिलेशन होता है, फिल्टरेशन होता है, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है इवन। हाँ तो आप इसका, हमारा आंसर क्या हो गया, सी। मैम ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स अगर हो तो वो मेटल्स को हम, मेटल और नॉन मेटल को क्या बोलेंगे? फटाफट से चार्ट पे लिखो सारे, जल्दी जल्दी। अगर दो या दो से ज्यादा मेटल्स होते हैं उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एलॉय, सॉल्यूशन, मिक्सचर, मेटालिक मिक्सचर। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टाइम अप। चलो बस
ओके बहुत बढ़िया, एक दूसरों का देखकर लिखो, मजा आता है लिखने में, है ना? नो मैम। एक दूसरों का देख देख के लिखते हो, बस मैं बताती हूँ किसने सही बोला है। ये देखो ज्योतिका, एफ ऑप्शन कहाँ से आया बेटे, एफ तो है भी नहीं। मैम जल्दी जल्दी में गलती से हो गया। परविंदर, अच्छा परविंदर, परमिला, ओके मेरे प्यारे नादान बच्चों, लड्डू पार्टी क्या सिखाया मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले, सुनते नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारे मतलब इससे पता लग जाता है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे। कहाँ गया? एलॉय है बच्चे, एलॉय, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है वो, मिक्सचर ऑफ टू और टू मेटल्स। ये पीछे मैंने तुम्हें छोटा सा ज्ञान दिया था ना, मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है यार, होता है नहीं होता है, बताओ। कुछ भी लिखते हो मतलब है, सोल्यूशन लिखा हुआ है, कहीं मिक्सचर लिखा हुआ है, किसका मिक्सचर, पड़ोसियों का मिक्सचर, ऑफ दिस इज नोन एज मिक्सचर, व्हाट अ डेफिनेशन, गॉड ब्लेस यू। हाँ बेटा मेटल सॉलिड है, ठीक है, तो मेटल का मेटल में मिल जाना उसको हम बोल देते हैं एलॉय। सिर्फ दो तीन बच्चों ने सही दिया आंसर, ठीक है, ऑल राइट, सबको क्लियर हो गया? यस करके आना है इसको, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, उड़ता हुआ जाएगा सब कुछ दिमाग से, ठीक है, तभी अगली क्लास समझ में आएगी, वरना सब मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके इसमें बड़े सारे वो हैं, डिस्टिलेशन, फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, गेशन गेशन, बड़े सारे गेशन, ठीक है, और तुम्हारा पूरा मिक्स हो जाएगा, जैसे ये मिक्सचर है चैप्टर, तो तुम्हारे ब्रेन में सब मिक्स हो जाएगा, फिर बैठे रहना, ठीक है। यस मैम। उसके बाद बच्चे होमवर्क दिया हुआ है, इन होमवर्क्स को सारा कंप्लीट कर लेना, ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है फटाफट से मुझे बताओ। हाँ होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर और बिल्कुल क्या बात है, सोल्यूशन मिक्सचर सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है, काफी कुछ हमने कवर किया। हाँ बिल्कुल, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, है ना, गुड, मिक्सचर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलो सारे चार्ट यूज करने लग गए, ठीक है बच्चे, सो ये होमवर्क कंप्लीट करके आना, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।